अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं करने जा रहा हूँ ऑयस्टर प्लांट की प्रोपेगेशन। जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि हम जब इसकी शॉपिंग करके आए थे तो मैंने कहा था कि मैं इसे प्रोपेगेट करूँगा, क्योंकि मैं इसको लाया ही इसलिए हूँ भाई कि मैं इसको मल्टीपल कर सकूँ, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर सकूँ, इसको मैं प्रोपेगेट करके बहुत सारे इसके प्लांट्स बना सकूँ। क्योंकि ये जो पॉट आपको दिख रहा है देखने को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि इसकी जो नई ब्रांचेज़ हैं वो आना रुक गई हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो ब्रांचेज इसके अंदर मौजूद हैं यहाँ पर, इनकी जो इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इनकी न्यू ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी प्लांट के लिए, अगर आप उसकी ग्रोथ को मज़ीद जो है वो ज़्यादा करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को मज़ीद इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है उसके लिए। इसी तरह से अगर आप ये देखें वेरिगेशन वाला, एक तो इनके अंदर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था ओवर वाटरिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो 2-4 दिन हो गए हैं इसको मेरे पास, मैंने इसको उसी के मुताबिक जो है वो पानी दिया है, तकरीबन 1 से 2 दफ़ा इसे पानी दिया है। बाकी इसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जो इसके हालात हो चुके हैं। तो इनकी प्रूनिंग करेंगे, प्रूनिंग करने के बाद हमें देखने को मिलेगा इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक, क्योंकि जो नया लीव होता है वो बिल्कुल अपना बेहतरीन शेड लेकर आता है, और वो जो उसके कलर्स होते हैं वो क्या ही कमाल के शेड होते हैं। और बस मैं आपको ज़्यादा जो है वो बातें नहीं करूँगा, मैं इसे जो है वो प्रोपेगेट करके दिखाऊँगा कि किस किस तरह से जो है वो हम इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं और मल्टीपल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो पहले हम बात करने जा रहे हैं इस वेरीगेटेड वाले की, और अगर मैं ये दिखा सकूँ आपको तो इसकी वेरीगेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल है। लेकिन ये बहुत सारे जो है वो इसके लीव्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो शाइनिंग और वो वेरीगेशन नहीं है इनके अंदर मौजूद जो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें इसे प्रोपेगेट करना होगा। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ इनकी कुछ नीचे से जो स्टेम वगैरह आप देखें इनकी, तो ये इनके जो हालात हैं वो देखें, ये इस वजह से हो रहे हैं कि ये ओवर वाटरिंग की वजह से इनके जो नीचे के लीव्स हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। और ये देखें, ये सारे लीव्स जो है वो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। तो इनको हम यहाँ से क्लियर करेंगे, एक तो इनकी सफ़ाई वगैरह करके इनको साफ़ करके दैन फिर हम इसे जो है वो प्रोपेगेट करेंगे, क्योंकि ये देखें ये अंदर काफ़ी जो है वो मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमें प्रोपेगेट करना है। ये देखें, ये इस तरह के जो लीव्स हैं ये सारे हमें इनको क्लियर करना है, ताकि ये अच्छा जो है वो हमारा प्लांट बन सके। अच्छा, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट बतानी है आपको, दिखानी है वो, अगर आप ये देख सकें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इनकी जो रूट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये एरियल रूट्स, मेरे ख्याल में ये एरियल रूट्स की तरह जो है वो यहाँ पर इनकी रूट्स जो है वो मौजूद हैं। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, इस तरह से ये रूट्स मौजूद हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि हम इनको इजीली जो है वो प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ मज़ीद आपको रूट्स दिखाता हूँ, लेकिन इनकी ज़रा मैं कटिंग कर लूँ। हाँ, यहाँ से आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये कुछ रूट्स यहाँ पर दिख रही हैं, मुझे देखने को मिल रही हैं, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये जो रूट्स हैं यहाँ पर, ये रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये जा रही हैं नीचे मिट्टी के अंदर। तो हम देख के इसको जो है वो प्रोपेगेट करेंगे, ताकि ज़्यादा नुकसान इसे ना हो, और इस तरह से हम इसके जो है वो कटिंग करेंगे। तो पहले बिस्मिल्लाह करते हैं यहीं से। इसकी काफ़ी सारी जो रूट्स हैं वो नीचे जा रही हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है इतना ज़्यादा, हम इसे जो है वो इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊँ। तो अब आपको यहाँ से ज़रा अच्छे से देखने को मिलेगा, तो बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ से। ये जो है वो जिस तरह से मैं बता रहा था आपको, ये देखें, ये इसकी रूट, अरे भाई सीधा हो जा जूम, ये देखें, ये इसकी रूट मौजूद है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि रूट अवेलेबल होना मतलब कि आपकी सक्सेस जो है वो प्रोपेगेशन के अंदर वो हो गई, आपको बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर सक्सेस रेट मिलेगा आपकी प्रोपेगेशन में, आपकी जो कटिंग है वो वेस्ट नहीं होगी। तो ये इस तरह से, ये नीचे का हाल इसका काफ़ी ख़राब है, लेकिन टेंशन नहीं, ये अभी मिट्टी के अंदर चली जानी है। तो इस तरह से हम कुछ और जो है वो प्रोपेगेशन कर लेते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर ली है यहाँ से, ये इसका देखें, यहाँ से जो है वो इसको ज़रा मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ से देखें, ये जो नीचे से न्यू पप्स निकलना स्टार्ट हो रहे थे तो वो बिल्कुल इनके अंदर छुपे हुए थे, जो कि इनकी खूबसूरती को जो है, ये देखें ये वाला कितना बेहतरीन लग रहा है। तो ये जो चीज़ है ये छुप गई थी, जिसकी वजह से हम इसकी खूबसूरती को नहीं देख पा रहे थे। तो अब हम इसके प्रोपेगेट करेंगे। बुशी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के हालात ख़राब हो रहे हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है कि हम इसको यहाँ से, इस तरह से मैंने इसे एक और को प्रोपेगेट कर दिया है, मतलब कि कटिंग कर दी है इसकी। और देखते हैं और कौन सी ऐसी जगह है जो हमें
हाँ ये वाली जो है कटिंग भी अच्छी है क्योंकि इसके रूट्स भी अवेलेबल हैं साथ में, और इसे हम अच्छे से जो है वो आराम सुकून से इसकी जो है वो बिल्कुल कटिंग हो रही है। अगर आप देखें यहाँ पर तो इसकी भी जो है वो रूट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम जो है वो इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। कुछ और कटिंग करूँगा मैं ताकि मैं इनको मज़ीद जो है वो मल्टीपल कर सकूँ। देखिए जितनी कटिंग करेंगे, कभी भी आप कटिंग से घबराएं ना, परेशान ना हो। जब आप कटिंग करेंगे और फिर आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आपके जो प्लांट्स हैं ना वो इतनी मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें। अभी अगर आप ये देखें यहाँ पर तो इसकी हालत कितनी पतली हो रही है, ये सारे इसके लीव्स जो है वो ख़राब हुए हैं, ये वाला लीव्स भी ख़राब हुआ है, तो बहुत लीव्स इसके ख़राब हुए हैं। तो ये अब कटिंग करने से जो है वो इंशाल्लाह इसके अंदर से न्यू ग्रोथ होगी तो वो बेहतरीन हो जाएगी। तो मज़ीद इसको मैं यहाँ से देखता हूँ कुछ, ये वाला जो है वो ये पूरा यहाँ से एक अच्छी ब्रांच है, ये देखें ये खुद ही निकल आया है, तो उसको हम लगा देंगे। बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है इसके अंदर, आप आराम से इसको प्रोपेगेट करें। चलें जी, ये एक और आ गया हमारे पास, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं मुझे इनको मैं नहीं करूँगा अभी, जो भी फ़िलहाल मुझे बड़े दिख रहे हैं मैं उनको करूँगा ताकि ये यहाँ से मज़ीद जो है वो निकले भी। मुझे ये भी ख्याल रखना होगा कि मेरे पास पॉट्स कितने हैं, क्योंकि प्रोपगेशन के अंदर कटिंग में तो बड़ा मज़ा आता है लेकिन पॉट्स भी होने चाहिए ना। अच्छा जी, वेरिएशन वाले को हमने कर दिया है प्रोपेगेट, अब हमें इसकी जो है वो देखनी है कि हम इसकी किस तरह से प्रोपेगेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर मैं आपको ये दिखा सकूं तो इसकी जो यहाँ पर ब्रांचेस हैं ये काफ़ी जो है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं है जितनी वो उसकी थी, तो यहाँ से मैं ज़रा ज़ूम कर लूँ इसको ताकि आपको दिखा सकूँ। तो ये तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, इसको हम जो है वो यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और इस तरह से इसकी हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारे पास इसकी कटिंग आ गई है, और देखते हैं हमारे पास और क्या है। ये यहाँ से इसकी रूट्स भी जो है वो मौजूद है, थोड़ा सा इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। रूट निकाल ली मैंने इसकी यहाँ से, बाकी यहाँ पर कौन है भाई, कौन है, इसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, इसको हमने कर दिया है। और ये है यहाँ पर, इसको हमने कर दिया है, बाकी बस छोड़ देना चाहिए मेरे ख़्याल में काफ़ी जो है वो, वरना कुछ इसके अंदर बचेगा ही नहीं। ये पॉट भी हमारे पास होना चाहिए ना, हाँ फ़िलहाल मेरे ख़्याल में इतना जो है वो काफ़ी है, इसको हम यहाँ पर ऐसे ही रख देते हैं। तो ये मेन चीज़ है इसके अंदर, ये एक बहुत मोटी और थिक इसके अंदर जो है वो एक ब्रांच है जो कि यहाँ से, इससे जो है वो ये सारी कुछ निकली हुई है, इसका जो है वो यहाँ से इसकी कटिंग हुई हुई है, एंड देन यहाँ इसके अंदर से एक के अंदर से जो है वो ये सारी की सारी ग्रो हुई हुई है। तो ये हालत है इसके। अच्छा जी, तो कटिंग्स कुछ मैंने कर दी हैं, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट यहाँ पर मेरे पास अलग अलग डिफरेंट साइज़ के जो है वो यहाँ पर कटिंग्स मौजूद हैं, तो उसके लिहाज से हम जो है वो इन्हें पॉट्स में शिफ्ट करेंगे। और कुछ के तो रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ के रूट्स नहीं हैं, तो हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल इसको पॉट के अंदर रखना है। कुछ को मैं पानी के अंदर लगाने लगा हूँ और कुछ को मैं सॉइल के अंदर लगाऊंगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पॉट ले लिया है और इसके अंदर सिंपल पॉटिंग सॉइल जो होती है वो ले ली है। अच्छा, मैं जब भी कटिंग लगाता हूँ तो मेरा एक छोटा सा यहाँ पर एक तरीक़ेकार है, वो आपको छोटी सी बात यहाँ पर बताता चलूँ कि मैं पहले पानी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि ये मिट्टी जो है वो उसको अच्छे से पानी मिल जाए और मिट्टी जिसने बैठना होता है वो बैठ जाए, ताकि कम ज़्यादा का पता चल जाए मुझे। वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कटिंग्स लगाते हैं और फिर बाद में हम पानी डालते हैं तो कटिंग्स काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर इनकी रूट्स मौजूद हैं
और इनको मैं इस तरह से जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा मैं होल करके और इस तरह से जगह बनाकर इनकी मैं इसके अंदर लगा दूँगा, तो बिल्कुल आराम से आपकी जो है वो ये कटिंग अंदर चली जाएगी इस सॉइल के। और इसमें पानी देने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी ऑलरेडी हम दे चुके हैं इसको, तो बस ये इसको हमने उठा के रख देना है ऐसी जगह पर, क्योंकि कटिंग जब भी लगाते हैं तो पहले उसको डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं रखा जाता, शेड के अंदर रखा जाता है। तो इसको अब हम रख देंगे और रख के भूल जाना है तब तक जब तक ये सॉइल इसकी ड्राई ना हो। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग्स बना कर इनको मैंने पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर दिया है। कुछ को मैंने लगा दिए हैं प्लास्टिक के अंदर, कुछ को मैंने लगा दिए हैं टेराकोटा के अंदर। और ये जिस तरह से देख सकते हैं ये जो छोटी छोटी यहाँ पर जो है वो कटिंग्स थी इनको भी मैंने जो है वो एक पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया है। बाकी कुछ पॉट्स मैंने बनाए हैं इनके अंदर मैंने दोनों वेरिएशन लगा दिए हैं ताकि जब ये ग्रो होंगी इंशाल्लाह तो दोनों जो है वो वेरिएशन मौजूद होंगी। इसके अंदर जो है वो एक ही यहाँ पर मौजूद है और इसके अंदर जो है वो कुछ, ये मैं आपको दिखा दूँ तो मैंने ये पानी के अंदर भी जो है वो लगा दिए हैं। तो इस तरह से बहुत ही ईजी टू ग्रो, ईजी टू केयर और ईजी टू प्रोपगेट वाला ये प्लांट है। आप भी इसे जो है वो अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप भी लें और इसको ग्रो करें, बहुत ही जो है वो बेहतरीन प्लांट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में जो है वो लिख के बताया करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।